हेलो दोस्तों, और आज के डेट में एक और स्टॉक में जो है तबाही आ सकती है, वो कौन सा स्टॉक है दोस्तों? आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हीरो मोटर कॉर्प। इसका जो है रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट में दोस्तों अनएक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट आता है तो मैं इसमें बोलता हूँ आने वाले दिनों में और भी अच्छा जो है ये परफॉर्म करके दिखा सकता है। ये मत समझिएगा कि दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस बड़ा है तो आप इसको हीरो मोटर कॉर्प को छोड़ दोगे, ऐसा काम नहीं करना है। चाहे जो भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हमें उसे नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है दोस्तों? अगर मान लो कि ये स्टॉक में आप 100 क्वांटिटी खरीद सकते हो, ये स्टॉक में आप कितना खरीद सकते हो? 5 क्वांटिटी तो खरीद सकते हो। चलो यार, इसमें अगर 5 भी खरीदोगे तो अगर ये 50 पॉइंट भाग गया या 20 पॉइंट भाग गया तो आपको अच्छा से अच्छा जो है इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो छोड़ना मना है, पकड़ के चलना है, ठीक है? और इसका रिजल्ट दोस्तों अनुमान से तो बहुत अच्छा है, तो ऐसे स्टॉक को तो हम नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप ऐसे स्टॉक को अपने रेडार पर रखो, खरीदो दोस्तों, दम भर प्रॉफिट करो। और स्टॉक बिल्कुल गिरा हुआ है दोस्तों, स्टॉक बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये देखिए निचले स्तर पे आपको मिल रहा है, यहाँ पर तो आपको जम के खरीदारी करने के लिए बनती ही है, ठीक है? अब यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप खुद यहाँ पर यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको चार्ट समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे डाउन आया अप गया, डाउन आया अप गया, डाउन आया अप गया, फिर से डाउन आ चुका। तो ठीक है, मूवमेंट आने वाला है, मूवमेंट आने वाला जरूर कुछ। यहाँ पर देखिए आपको जो है अपर मूवमेंट से भी अच्छा मूवमेंट देगा, तो अगर आप यहाँ पर दो चार भी क्वांटिटी खरीदोगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है? आप ये मत सोचिए ज्यादा महंगा है दोस्तों, कुछ भी ज्यादा महंगा नहीं होता। इसका प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये महंगा है, ठीक है? तो ऐसे स्टॉक को अपने खरीदार, अगर आप देखो ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई इसको बेचना ही नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा खरीद के रखो, आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा भी देगा, ठीक है? अगर आप दो चार दिन शॉर्ट टर्म खरीदना चाहते हो तो मान लो कि दोस्तों इसमें 100-200 पॉइंट का देखिए अगर अपर लेवल भी आता है 100-200 पॉइंट तो लेके निकल जा सकते हैं, ठीक है? अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं निकल जाते हैं, तो उनके लिए भी ऐसा है। और स्टॉक जो है आपको बिल्कुल निचले स्तर पे मिल रहा है। यहां पर देखिए पहले तो बहुत बार, एक मिनट, चार्ट को थोड़ा संभालना है। हाँ, यहाँ पर देखिए चार्ट को, यहाँ पर देखिए पहले तो बहुत ज़्यादा गिरा, ठीक है? यहाँ पर 2300 के आसपास आया, फिर गया ऊपर, फिर गया नीचे। तो जब मंदी आ रही थी दोस्तों ऑटो सेक्टर में, तो उधर भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था उसके वजह से, ठीक है? उसके बाद से देखिए स्टॉक जो है आप भी रिजल्ट में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, तो ऐसे स्टॉक को आप खरीद के चल सकते हो दोस्तों, ठीक है? मुझे वीडियो शॉर्ट बनाना है, क्योंकि अभी देख सकते हो मार्केट ओपन होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप तक पहुँचा दूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आपको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।